असलेंट्स वेलकम टू इलेक्ट्रिस मैगनी नंबर फोर्टी नाइन डॉक्टर प्रोवेज अहमद एन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेचुअल एंडक्टेंस आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं अब मेचुअल एंडक्टेंस है क्या uh, ये कैसी होती है और इसके लिए uh, सर्कट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हाँ uh, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो so, थोड़ा uh, बहुत हम पहले डिस्कस करेंगे मेचुअल एंडक्टेंस के बारे में सो द मेगनीटिक प्लास थ्रू द एरिया इन क्लोज हाँ बाई एन सर्कट अपन वेरिजिक्रेंड एंड नीर बाई स ठीक है सो यहाँ पर जब हम डिफिनीशन कर रहे हैं मिचुअल uh, इंडक्टेंस की हाँ uh, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो सर्कट्स होंगे एक सर्कट के अंदर जो मैग्नेटिक प्लग्स है uh, वो वेरी करेगी मैगनीटिक प्लग्स चेंज होगी टाइम के साथ साथ और उसके साथ ही जो टाइम वेरिंग करेंट है आ, वो नियर बाय सर्किट्स में आ, मतलब आ, चेंज हो होगी टाइम के साथ साथ जो करंट है वो दूसरे सर्किट में आ, वो चेंज हुई मतलब तो हमारे पास दो करंट दो सर्किट होंगे एक सर्किट में प्लस चेंज होगा और दूसरे में जो करंट है वो वेरिक करेगा मतलब एक सर्किट में जब करंट वेरिक करेगा तो नियर बाय जो सर्किट है उसमें क्या होगा टाइम वेरिंग करंट जो है वो जनरेट होगा क्योंकि ये दो सर्किट्स पे مشتمل होता है इस वजह से हम इसको म्यूचुअल सर्किट्स कहते हैं ठीक है आ, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किट्स पे सो अ सेटअप फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस यू कैन सीड हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर यहां पर आपको दिख रहा है uh, कि हमारे पास एक टिपिकल सेटअप uh, है फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस

आई टू ठीक है सो एक करंट इन कॉयल वन सेटअप ए मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जब इसमें से हम करंट uh, पास करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड uh, वो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है uh, वो पास करती है जो सेकंड कॉइल है उसमें से uh, वो लाइन पास कर रही है ठीक है सो जब इसमें से करंट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो जो फील्ड लाइन है उसकी मैग्नीट्यूड भी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज वो कर जाती है तो इससे हम कहते हैं कि कॉल टू में से आ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाती है ठीक है कॉल वन आ, की वजह से कॉल टू में आ, जो मैग्नेटिक फील्ड है हम कहते हैं वो चेंज हो जाती है सो म्यूचुअल इंडक्टेंस Uh, रिलेश जिस तरह हमने पहले बात की थी सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सो जस्ट लाइक दैट इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द सर्किट वहाँ पर एक ही सर्किट था और हम कहते थे कि मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उस सर्किट के जोमेट्री पे डिपेंड करता था तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्किट्स है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के जोमेट्री पे आ, वो डिपेंड करता है एंड देयर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ठीक है वहाँ पर सिर्फ एक ही सर्कट था तो वहाँ पर ओरिएंटेशन का जिक्र नहीं था यहाँ पर चुनके दो सर्कट हैं तो एक तो यह कि उनकी जो पे पे डिपेंड करता है और दूसरी ये है कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उन दोनों की ओरिएंटेशन क्या है उस पर भी ये uh, डिपेंड करता है ठीक है सो इफ क्रन आई वॉन्ट एंड कॉइल टू इज़ गिवन बाय द रिलेशन ठीक है ये हमारे पास रिलेशन है अगर हम कहते हैं कि uh, जो कायल वन है उसमें करेंट आई वन वेरी करता है टाइम uh, के साथ सो so, uh, जो कायल टू है उसमें जो ई एम एफ जनरेट होता है दैट इज गिवन बाय माइनस एम टू डी पाई वन टू डी पाई और डी टी ठीक है दैट इज इक्ल टू माइनस एम वन टू इज इक्वल टू डी आई वन ओवर डी टी ये हमारे पास रिलेशन uh, है सो इफ द करंट इज़ इन क्वाल टू अगर हम कहते हैं यहाँ पर तो uh, इसमें हम कह रहे हैं कि करंट आई वन में से वेरी कर रहा है सो so, ये रिलेशन है अब अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करें और हम कहें कि नहीं uh, जो मतलब करंट है uh, वो क्वाल टू में से uh, वेरी कर रहा है सो देर इज अ मैचुअल इंडक्ट एम टू वन तो इस केस uh, में हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस uh, जो होगी दैट वी विल डिनोटेड बाय एम टू वन ठीक है सो एफ करंट टू वेरीज विद टाइम द एएमएफ इंड्यूस बाय कॉइल टू इन कॉइल वन विल बी इक्वल टू माइनस एम टू वन डी टू डिवाइडेड बाय डी ठीक है ठीक है तो ये हमारे पास रिलेशन uh, है मतलब अगर कॉयल को हम चेंज करेंगे करंट की वेरिएशंस को uh, हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कोल सो उसके साथ ही हमारे पास uh, जो ई की जो रिलेशन है इंडियोज की जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू दैट इट विल आल्सो चेंज वो भी हमारे पास uh, वो चेंज होगी ठीक है सो इन मेचुअलबर वन एंडल ठीक uh, uh, है कि में हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि जो या मैप है आ, एक कॉल के अंदर वो हमेशा प्रोपोशन होती है आ, रेट, आ, और उसी रेट पे जिस रेट पे करंट जो है आ, वो दूसरे कॉल के अंदर वो चेंज होती है मतलब ये मैप एक कॉयल के अंदर जनरेट होती है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शन होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हां इन अदर कॉइल ठीक है एक कॉइल में जितनी करंट फेरी होगी उसी के मुताबिक उसी प्रोपोर्शन से uh, मतलब जो इंड्यूसर मैप है वो दूसरे कॉइल के अंदर हाँ uh, वो जनरेट होगी ठीक है

कैन बी एक्सप्रेस एज ठीक है अब हम कहते हैं कि दोनों की जो इंडियर मैप है वो बराबर है, that is equal to m. So, जो मैप है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं एनडीएस मैप ऑफ द फर्स्ट कॉल दैट इज इक्वल टू माइनस एम डी आई टू बाई डी टी दैट इज इंडियर मैप ऑफ द सेकेंड कॉल इज इक्वल एम डी आई वन और डी टी ठीक है ये हमारे पास दोनों केसेस में ई एम एफ की रिलेशन होगी सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग सी नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून टेल देन बाय बाय